रहा है कि हमारे महादेव का मंदिर जो ढोबरा में स्थित था वहाँ के पुजारी की जिस हिसाब से उन्होंने हत्यारों ने उनकी हत्या की है बहुत दुख का विषय है। प्रशासन से हमारी यही मांग थी, एक तो उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए क्योंकि हो सकता है उनके कम से कम 15 चाकू लगे हों और खून में लथपथ जो वहाँ के पुजारी थे। ठीक है, वहाँ महादेव जी की मूर्ति भी चोरी हुई है, किंतु जो व्यक्ति वहाँ पर जो हमारे पुजारी थे वो आज ऐसी स्थिति में थे कि उनके एक बुजुर्ग माँ है और आगे पीछे कोई नहीं है, उनका एक भाई है जो कुछ भी काम नहीं करते। प्रशासन हम सीधी सीधी मांग कर रहे हैं कि इनको 25 लाख का मुआवजा दिया जाए, परिवार में जो उनके भाई हैं उनको नौकरी दी जाए, इससे एक परिवार का खर्चा चल सकेगा। साथ में हम ये भी मांग कर रहे हैं प्रशासन से कि आज से 20 साल पहले भी ऐसी ही घटना बूंदी में हुई थी, मुख्यालय बूंदी का जो हमारे चार बजा मंदिर है नार के छोटा वहाँ भी पुजारी की हत्या हुई थी, किंतु आज तक न तो उनका हत्यारा पकड़ा गया और न ही ऐसा डिसीजन प्रशासन ने लिया गया कि हत्यारा को कैसा पकड़ा जाए। ऐसा नहीं हो कि इसी पुजारी की भी हत्या जिन हत्यारों ने की है वो पकड़े नहीं जाओ, अगर उनको पकड़ा नहीं जाता है तो सब समाज के मिलकर हिंदू समाज के मिलकर ऐसे हत्यारों को पकड़ाना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि हमारे ऐसे कई मंदिर है जहाँ अकेले पुजारी जी रात को निवास करते। तो आज हमारी सबसे बड़ी मांग यही है कि 25,000 उनको मुआवजा के लिए मिले, 25 लाख रुपए सॉरी, और एक नौकरी उनके परिवार। अभी तक मुआवजे के लिए किसी से बात हुई? खड़े हुए कि सांसद साहब ने भी यहाँ पर जब थोड़े समय पहले अपने तालेडा में दागर समाज की एक महिला ऐसे ही मारी गई थी तो 5 लाख रुपए उन्होंने भी किसी से कहके बामा साहब से कहके दिलाए थे, वो बूंदी में भी उम्मीद कर रहे कि एक ब्राह्मण समाज की इस वर्तमान विधायक साहब से और पूर्व वित्त मंत्री जी से मुआवजे की कोई बात हुई नहीं? उनसे उनके फोन बंद थे, किंतु उनको उनका ज़्यादा दायित्व बनता है क्योंकि ब्राह्मण समाज ने आज उनको 3 बार MLA बनाया है और आज जो पुजारी है वो भी ब्राह्मण समाज से। पूर्व मंत्री जी की तरफ से उनके यहाँ पर उनके पुत्र हैं यहाँ पर ही हैं, उन्होंने कोई घोषणा करी कि सहायता राशि की तरफ से कोई घोषणा? आपका नाम और दायित्व? महावीर मोदी, पूर्व सभापति। किसे में धरने पे बैठे हो आज? आज डोबरा महादेव हैं उनके पुजारी हैं पंडित विवेकानंद शर्मा, उनकी डोबरा महादेव जो बहुत ही प्राचीन और रियासतकालीन समय से बूंदी के आराध्य देव हैं डोबरा महादेव, वहाँ के पुजारी की निर्मम हत्या कर दी गई, उनके शरीर पर अनेक जगह धारदार हथियारों का निशान है, चारों तरफ खून फैला हुआ है। इस घटना को लेकर पूरे बूंदी शहर में आमो आवाम में रोष फैल गया है और आज यहाँ ब्राह्मण समाज उनके अतिरिक्त अन्य समाजों से भी विभिन्न लोग जिनकी मंदिर को लेकर श्रद्धा जुड़ी हुई है सभी लोग मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले, पुलिस हत्या का मुकदमा दर्ज कर इस मामले को पुलिस ऑफिसर स्कीम में ले और परिवार को सम्मानजनक आर्थिक सहायता मिले, ये मांग को लेकर आज धरना। लगभग क्या मुआवजे की मांग क्या है, कितनी? परिवार जन ने जो प्रार्थना पत्र दिया है कलेक्टर साहब के नाम पे मुख्यमंत्री जी को, उसमें उन्होंने 25 लाख रुपए आर्थिक सहायता और एक परिजन को नौकरी की प्रार्थना। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो क्या स्टेप रहेगा? तो सब लोग जब राज्य में बैठे हुए हैं संघर्ष समिति विचार करेगी, आज तो पोस्टमार्टम करवा नहीं रहे परिवारजन, कल समाज के बाकी लोग और शहर के बाकी लोग इकट्ठा होंगे और आंदोलन की बड़ी रूपरेखा बनाई जाएगी, पुजारी परिवार को न्याय दिलाया जाएगा और हत्यारों को तत्काल पुलिस गिरफ्तार करे, पीड़ित परिवार को सम्मानजनक मुआवजा दे। अभी तक किसी से बात हुई इस बारे में? प्रशासनिक अधिकारी आ रहे हैं, पुलिस अधिकारी आ रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं। पुलिस का कैसा रवैया रहा है? पुलिस का वहाँ क्या है, पुलिस अपने स्तर पर जाँच कर रही, यहाँ भी पुलिस अधिकारी आ रहे हैं, हमारी एक ही मांग है पुलिस हत्यारों को अविलंब गिरफ्तार करें। और अभी तक कोई सूचना मिली कि हत्या का किस वजह से की गई, क्या किसी प्रकार का कोई सुराग लगा? परिजनियाँ बैठे हैं, संघर्ष समिति उनसे वार्ता कर रही है, लेकिन जिस प्रकार ये हत्या की गई है सामान्य हत्या नहीं है। ये किस प्रोग्राम के जिसके आप यहाँ बैठे हुए? आज हम सभी
समाजवासी, समाज बंधु और अन्य समाज के लोग बूंदी के प्रसिद्ध डोगरा महादेव स्थित पुजारी जो वहाँ पर पूजा करते थे उनकी निर्मम हत्या की गई, इसके विरोध में हम लोग सभी यहाँ पोस्टमार्टम रूम के बाहर मौजूद हैं। आप यहाँ पर किस वजह से बैठे हुए हो, किस कारण से? एक साल से लगातार देख रहे हैं, कभी पुजारी की हत्याएँ होती है, कभी पूरे राजस्थान में मासूम बच्चों के साथ बलात्कार होते हैं, कभी धमकियाँ दी जाती है, हाथ काट देंगे, आंखें निकाल देंगे, ये जनता कहाँ जाके रहेगी? लोग अपना जीवन बसर कर रहे हैं, सरकार को माए बाप बोलते हैं और लोकतंत्र है, जनता को सुरक्षा तो चाहिए। पुजारी मंदिर में पूजा कर रहा है, वृद्ध आदमी है, उसकी हत्या हो गई। इसके पहले सूरज छतरी पे से तोड़फोड़ हो गई, सूरज छतरी की तोड़फोड़ के बाद भी प्रशासन नहीं चेता, सरकार भी नहीं चेती, सरकार होटलों में बैठी है, राजनीतिक गोटियां सेक रही है, जनता की कोई खबर ही नहीं है। पुजारी की हत्या हुई है, कितनी निर्मम हत्या हुई है, दिल दहल रहा है लोगों का, आत्मा तड़प रही है। जिसके घर में हत्या होती है क्या होती है, जंगलों में बैठकर मंदिरों की सेवा कर रहे हैं। एक गरीब ब्राह्मण परिवार का आदमी है, उनके एक जिया जी हैं कैंसर की बीमारी से जूझ रहे, उन्होंने पूरा जीवन वहाँ अपना समर्पित कर दिया। सांसद साहब को भी 10 लाख रुपए देने चाहिए, सब विधायक को भी देने चाहिए, 1 करोड़ रुपए देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए? हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या लॉ एंड ऑर्डर क्या है? पूर्व में सब संकेत मिल रहे हैं हर चीज के, उसके बावजूद भी शासन प्रशासन मुख बैठा है, आए दिन छोटी छोटी चीजों को इतना बवंडर करके दिखाया जाता है कि जैसे आप दाता विदाता है। आए दिन केंद्र सरकारों को घेरते हो आप, घेरो, आपका राजनीतिक विषय है, पर जनता को क्या लाभ दे रहे हो? अरे लाभ मत दो यार, सुरक्षा तो दो, हमारे प्राण सुरक्षित हैं इस देश पे, आंखें निकाल लेंगे साहब। अरे आपको प्रोटेस्ट करना है करो, आज इस गरीब आदमी की हत्या कर दी गई, पूरे शहर में हो गया, मर गया, 5 दिन निकलेंगे बाहर, हुआ होगा भूल जाएंगे सब। 1 करोड़ रुपया मिलना चाहिए, सामान्य सा कोई जब गैर हिंदू मरता है करोड़ों की मांग होती है और सरकार चुपचाप जाके उसके गल्ले भर जाती है, गल्ले भर जाती है और महिमा मंडन करती है साहब, तो हिंदू को क्यों नहीं मिलना चाहिए? सही है भाई, सही है। 1 करोड़ रुपया मिलना चाहिए, गहलोत जी को कल ही कहना चाहिए कि 1 करोड़ रुपए देते हैं तब ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष भी हूँ, बिरला जी की बात है तो 3 लाख रुपए तो अपन दे रहे हैं, ठीक है, और बाकी जो भी आगे बात करेंगे अपन, आपका पत्र पहुंचा दिया जाएगा, जो भी मदद मिलेगी ठीक है। 3 लाख बिल्कुल सही, मैं खुद 3 लाख रुपए की घोषणा करता हूँ, बहुत सुंदर, 5 लाख सरकार की तरफ से जिला कलेक्टर। सतीश भाई साहब, अब 2 लाख रुपए अपन पर्सनल उस पे कर लें, वो अपन जो भी है स्थानीय अभी आप वहाँ भी कर लेने भाई साहब, मामला जो करना है एक भी बात नहीं उठेगा, समाज बनाने का चाहे भूप नाम में हो, चाहे करौली में हुआ हो, सुनो जहाँ भी किसी भी ग्राम अन्याय हुआ है संविधान पे परिवार जिनको एक टांग पे खड़े होकर उनके साथ खड़े रहे, बूंदी तो हमारा है, आड़ू धरती हमारी है, किसी के साथ भी अन्याय होगा पूरी रात पूरे दिन हम
जितना प्रयास करेंगे। बूंदी वाले पेड़ बजा के रखते हैं, आप तो संविधान में किसको ले रहे हैं बताओ? संविधान आज जो गरीब ब्राह्मण पुजारी की जो हत्या हुई है उसके बारे में क्या सहमति बनी पदाधिकारियों में और प्रशासन के बीच में? जिस प्रकार से पुजारी की हत्या की गई है निंदनीय है, पूरा ब्राह्मण समाज और हम सब उसकी निंदा करते हैं और काफी देर से धरना प्रदर्शन चल रहा है। इस पुजारी के परिवार को 5 लाख इन सबके प्रयास से सतेश जी रुपए जी जितिया मीटिंग के सबके प्रयास से 5 लाख रुपए कल करवा देने दिया है सरकार के माध्यम से। सरकार के माध्यम से इन सबकी मांग थी कि बिरला जी ने 5 लाख रुपए वहाँ पे दिए थे तालेड़ा में जो धाकड़ समाज ने दिए थे, लेकिन फिर भी हम 5 लाख रुपए देने की घोषणा करते हैं और ब्राह्मण समाज से मैं अपनी तरफ 5 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूँ। आपका साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग करते हैं, जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और कठिन से कठोर सजा दी जाए। विशाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष, भुजंगोट समाज, राजस्थान। जो आज धरने पर बैठे थे पुजारी को न्याय दिलाने के लिए, उसमें प्रदर्शनकारियों में और जिला प्रशासन के बीच में क्या सहमति बनी? देखिए, हमने प्रशासन से दो टूक बात करी है कि जो राजस्थान में सब जगह इस प्रकार के घटनाक्रम में न्याय किया जाता है वो न्याय हो। हमारी यहाँ के जो CI हैं उन्होंने आश्वस्त किया है कि पुलिस अधीक्षक महोदय ने आप सबकी मांग के आधार पर प्रेस नोट जारी कर दिया है, इस मामले को पुलिस ऑफिसर स्कीम में ले लिया है और पुलिस इस ऑफिसर स्कीम में लेने का मतलब है इस मामले में गहनता से जांच होगी और पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा, ऐसी हमें उम्मीद है। साथ ही जो निर्धन परिवार है उसको आर्थिक सहायता की मांग थी तो राजस्थान सरकार की तरफ से, और यहाँ विशाल शर्मा है उन्होंने उनकी तरफ से 5-5 लाख रुपए देने का समाज को सारे लोग बैठे हैं उनको आश्वस्त किया है। प्रशासनिक अधिकारी आए उन्होंने आश्वस्त किया है। साथ ही साथ टोटल टोटल 10 लाख रुपए जी, और हत्यारे तत्काल गिरफ्तार होना चाहिए, इस मामले में पुलिस गहनता से जांच करे। और हमारी ये मांग थी कि एक व्यक्ति को संविदा पर नौकरी मिले तो नगर परिषद में उन्हें नौकरी देने का तय हुआ है। ये सारी मांगे जो है उसके बाद परिवार से चर्चा हुई और संघर्ष समिति जहाँ बैठी हुई थी उनकी चर्चा हुई, सभी ने सहमति जताई तो सभी के सहमति के आधार पर धरना समाप्त कर रहे हैं और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया आगे। जो 5 लाख रुपए विशाल जी ने